हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विषय में चर्चा करूँगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के जो उसकी पृष्ठभूमि रही है तथा जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स रहे हैं इस अधिनियम से एसोसिएटेड, उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में आप लोगों से करूँगी। यदि हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के विषय में बात करते हैं तो झारखंड में जो भू व्यवस्था रही है और जो अंग्रेजों के समय से उस समय लागू जो की गई थी टेनेंसी एक्ट, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड के दृष्टिकोण से। और इसी के संबंध में मैं आज आप लोगों से आगे इसके विषय में चर्चा करूंगी। झारखंड के जनजातियों के संदर्भ में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसके माध्यम से जनजातियों को उनके भूमि के स्वामित्व के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 जनजातियों को इस संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करती है कि उनके आधिपत्य वाली जितनी भी भूमि है उसका हस्तांतरण गैर जो आदिवासी हैं उनको नहीं किया जा सके। यह अधिनियम उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में लागू किया गया था तथा इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था। अगर हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि छोटा नागपुर के जनजातियों के द्वारा मुख्य रूप से खुटकुटी क्षेत्रों में निवास करने वाले जितने भी जनजाति रहे थे उनके द्वारा अपने स्वामित्व वाले जमीन के लिए तथा उनके स्वामित्व को बचाए रखने के लिए या यथास्थिति बनाए रखने के लिए लगभग 150 वर्षों तक का लंबा संघर्ष किया गया था। और इस संघर्ष का परिणाम है कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम विवश होकर बनाना पड़ा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जनजातियों को उनके जमीन के संदर्भ में उन्हें मालिकाना हक देने के लिए अस्तित्व में लाया गया। वास्तव में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बंगाल काउंसिल कोलकाता के द्वारा तैयार किया गया था। उस समय बंगाल प्रांत में ही छोटा नागपुर का क्षेत्र शामिल था। हम यह देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को 29 अक्टूबर 1908 को एक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हुआ था जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी तथा 11 नवंबर 1908 को काश्तकारी अधिनियम का प्रकाशन कोलकाता गैजेट में हुआ था तथा उसी तिथि से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावी माना गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम वास्तव में संपूर्ण छोटा नागपुर के विभिन्न जातीय समूह में शामिल भूमि मालिकों तथा किसानों और जमींदारों के बीच के संबंधों को सुधारने के लिए बनाया गया था। अगर हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के क्रमिक विकास को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इसके लिए बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे हम उलगुलान के नाम से जानते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण रांची जिले में 1902 से 1910 तक कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सेटलमेंट किया गया था। 1903 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून संशोधन बनाकर लागू किया गया था। बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून संशोधन 1905 लागू किया गया था। इन सभी की परिणति के रूप में वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एक मुख्य और प्रधान अधिनियम की स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को 11 नवंबर 1908 तथा उसके प्रकाशन की तिथि से पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रभावी कर दिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के निर्माण में जॉन एच हॉफमैन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। छोटा
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और 271 धाराओं का समावेश किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान तथा पलामू प्रमंडल में लागू किया गया था। इस कानून के बनाने के पीछे मुख्य रूप से यह विचारधारा रही है कि जनजातीय लोगों में शिक्षा और जागरूकता का अभाव है और उनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसीलिए उनके स्वामित्व वाले जितने भी जमीन हैं उनको बाहरी लोगों द्वारा छल और धोखे से हासिल नहीं कर लिया जाए, इसके लिए एक कानून बनाया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि जनजातियों के स्वामित्व वाले जमीन को कोई भी जनजातीय ही खरीद सकता है। साथ ही साथ यह शर्त भी रखी गई कि इसके लिए उस आदिवासी का उसी थाना क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भी भूमि से संबंधित इस व्यवस्था को लागू किया गया। काश्तकारी अधिनियम 1908 की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता यदि होती है तो काश्तकारी अधिनियम 1908 में कोई भी बदलाव परिवर्तन संसद ही कर सकती है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को गवर्नर जनरल की मंजूरी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदान की गई है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कुछ प्रमुख या महत्वपूर्ण परिभाषाओं के विषय में यदि हम बात करें तो ये निम्नवत हैं। आयुक्त और न्यायिक आयुक्त का तात्पर्य छोटा नागपुर के आयुक्त और न्यायिक आयुक्त से है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत व्यक्ति के रूप में रैयत काश्तकार, अधिभोगी रैयत, दर रैयत, जमींदार, भूस्वामी, खुटकुटी, निर्धारित रैयत को शामिल किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जमीन और उसके दस्तावेज के रूप में खेसरा, कुर्सीनामा, खतियान, गैर मजरुआ आम जमीन, गैर मजरुआ खास जमीन, बंजर भूमि इत्यादि शामिल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कृषि वर्ग का वर्ष का तात्पर्य कृषि उद्देश्य के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित वर्ष है। यहाँ पे गड़बड़। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कृषि वर्ष का तात्पर्य कृषि उद्देश्य के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित वर्ष है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में बोर्ड का तात्पर्य बिहार के राजस्व मंडल से है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में सर्टिफिकेट ऑफिसर की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार सर्टिफिकेट ऑफिसर बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड की रिकवरी एक्ट 1914 में परिभाषित पदाधिकारी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की एक महत्वपूर्ण परिभाषा जेल के संदर्भ में है। इस अधिनियम में सिविल जेल का तात्पर्य जिले के सिविल जेल तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कैदियों के कारावास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किए गए किसी भी स्थान को शामिल किया गया है। काश्तकारी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण परिभाषा डिप्टी कलेक्टर की है, जिसके अनुसार डिप्टी कलेक्टर में एक असिस्टेंट कलेक्टर और सब डिप्टी कलेक्टर शामिल है, जिन्हें विशेष रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के किसी भी कार्य को करने के लिए राज्य सरकार अधिसूचित करता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में संपत्ति के अंतर्गत राजस्व भुगतान वाली भूमि और राजस्व मुक्त भूमि के किसी भी सामान्य रजिस्टर में एक प्रविष्टि के तहत शामिल भूमि और सरकारी खास महाल और राजस्व भूमि भी शामिल है, जो किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की एक महत्वपूर्ण परिभाषा वन उपज के संदर्भ में भी है। वन उपज में लकड़ी, चारकोल, लकड़ी तेल, प्राकृतिक वार्निश, झाल, लाख,
महुआ फल फूल, पेड़ और पत्ते, फूल और फल, जंगली जानवर और खाल, सिंह, हड़िया, रेशम, कोकून, शहद, मोम, पिट, चट्टान और खनिज शामिल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किराएदार का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि रखता है और वह अनुबंध के कारण उस व्यक्ति को भूमि का किराया देने के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम रहा था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हम झारखंड में जनजातियों के भूमि के विषय में बात करते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 ने जनजातियों के भूमि तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया था। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख भी किया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो जनजातियों की भूमि थी उसे किसी अन्य जनजाति को ही बेचा जा सकता था। यह इसलिए भी किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो बाहरी लोग थे किसी भी प्रकार से शोषित करते हुए जनजातियों को उनसे उनकी भूमि को छीन नहीं लें। यहाँ पे सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे हम याद करते हैं झारखंड में परिवर्तन को लेकर के जितने भी इस उलगुलान के परिणाम रहे थे, यदि हम उस संदर्भ में भी देखें तो बिरसा मुंडा आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के लिए रहा था।